बहुत लगाई हुई है, बहुत ही ज्यादा। रुकी नहीं भाई रेस, चलो ठीक है सर, ओके चलो चलो ओके। हैं चल ठीक है भाई ओके। मज़ा आ गया भैया को, कभी हमने अलविदा हो जाएंगे वापसी उधर से, हम फिर अकेले इधर से, बिकॉज उनका घर उस साइड है बबुआ। और अभी पंचर लगाकर अभी हवा चेक की, अभी तो नहीं निकली। मैंने बोला रास्ते में कि अगर 40-50 किलोमीटर चलाओ, अगर लगे कि कम हो रही है तो कोई भी पंचर वाला दिखे तो पहले उनसे हवा भरवा लेना, अपने घर पहुँच जाना। फिर चलो टायर तो बंदा मंगवा लेता है, वो तो बड़ी दिक्कत नहीं, पर घर पहुंचना बहुत जरूरी है यार। ऐसे ना इंडिया में ये सब बहुत मुझे गलत लगता है, माता कोई आपका गुरु है उनके नाम पर पैसे बहुत मांगते हैं, वो सब होना नहीं चाहिए। ये देखो साइकिलिस्ट जो भी थे झंडे लगाकर घूम रहे, ये पैसे मांग रहे कि वैष्णो देवी जा रहे हैं यार, ये सब गलत है। अगर आपको माता जी ने बुलाया तो पैसे भी वो कर देगी, रेज आप चलते रहो बस। तो चलो भैया की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हुई। वो बोल रहे हैं कि टायर चेंज करवा लूँगा, तो मैंने बोला कि देख लो थोड़ा बहुत दिन रुक कर, अगर हवा निकलती है तो, बिकॉज ना रिस्क नहीं लेना। बिकॉज अभी जैसे हम हाई स्पीड पर, मैं तो हाई स्पीड पर चलाता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं इतनी तेज़ चलाता नहीं, और हाई स्पीड पर ऐसा कुछ हो जाए ना तो भाई आपको पता है एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो रिस्क लेना नहीं इन कामों में कभी भी। तो हवेली बैठे आधा पौना घंटा, ब्रेकफास्ट किया और अभी निकल रहे हैं घर को। मैं अकेला मतलब, और मेरी जीनो सो प्यारी सी। पहले वो भीगे बारिश में पैंट भी उनकी गीली थी, बाद में टायर उनका ये हो गया, मतलब प्रॉब्लम तो चलो आएगी यार, प्रॉब्लम तो नॉर्मल बाइक पर भी आ जाती है, पर वैसे वो ठीक हो जाती है। सुपर बाइक का ये है कि ये लोकल ठीक नहीं होती। अभी उनको टायर अगर नहीं मिला तो लुधियाना या चंडीगढ़ से मिलेगा। भैया ने भी बोला कि तुम्हारी बाइक बहुत ही ज़्यादा लाउड है, बिकॉज इसमें रेस फिट है। और उनके लगा था SC प्रोजेक्ट, और वो बोल रहे कि DB कलर लगा उनके, तो थोड़ी बहुत कम थी। और बोल रहे थे कि काफ़ी कोशिश की निकालने की DB कलर पर, निकला नहीं तो थोड़ी सी आवाज़ कम थी। अगर DB कलर निकल जाता वो भी काफ़ी लाउड हो जाती। तो सामने एक होंडा की गाड़ी जा रही है, उसने पूरी भगाई हुई है, देख लो वो वाली रेड वाली। ये देखो पूरी अंकल ने खींची हुई है 150 में चल रही है। चलो पीछे करते हैं इसको। अभी भी पीछे है, ये देखो। अंकल को आने देते हैं साथ में। ये देखो ओह माय गॉड, बहुत ही भगाई हुई है। एक बार अच्छे से हराते हैं। ओह भाई बहुत भगाई हुई है, बहुत ही ज्यादा। तो बस इनको जाने देते हैं बिकॉज वो गाड़ी है, ये बाइक है भाई, पीछे से बंदा रेस लगाने की कोशिश में ठोक भी सकता है, तो इनको जाने देते हैं। चलो अपन धीरे धीरे चलते हैं, क्या भगानी बाइक। अपने पीछे ही है वो गाड़ी। जोश आ गया अंकल को। भाग वैसे बढ़िया रही है गाड़ी, मुझे नाम नहीं पता भाई कौन सा है। ये देखो होंडा की है कोई। भाग बढ़िया रही है गाड़ी। चलो हम धीरे धीरे चलते हैं। तो आज का संडे भी बढ़िया गुजर गया अपना, जितना गुजरना था। बाकी पूरा दिन तो मैं सोकर निकाल दूंगा। अभी घर पर जाऊंगा। बाइक गंदी है थोड़ी सी, चैन वगैरह साफ करूंगा इसकी, और इसको वॉश करके बस खड़ी कर दूंगा। फिर अगले संडे निकालूंगा। और आज तो काफ़ी मज़ा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बस टायर की। बस अभी भैया अच्छे से घर पहुंच जाए, हवा वगैरह ना निकले, घर जाकर कुछ भी हो जाए वो तो चलो ठीक हो जाएगा। पर रास्ते में पता क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कोई आने वाला नहीं होता, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, बिकॉज छोटी बाइक तो है नहीं, सुपर बाइक है। सामान उसका लोकल मिलेगा नहीं, कोई आम बंदा उसका टायर खोलेगा नहीं, अगर खोल लिया तो उससे लगेगा नहीं वापसी, तो ऐसे दिक्कत आ जाएगी। तो वो अच्छे से पहुंच जाए। मैं तो चलो वैसे पहुंचने वाला ही हूँ, नवे शहर बस पहुंचने वाला हूँ, 5 मिनट में नवे शहर पहुँच जाऊँगा। ये ले लो 96 पर चली है बाइक। कितनी स्लो लग रही है इस टाइम, मुझे खुद लग रहा है कि यार कितना स्लो चलाऊँ, मज़ा ही नहीं है इतनी स्लो चलाने में, इतनी स्लो मज़ा ही नहीं है यार। और हवेली जो लड़के मिले थे वो बोल रहे थे कि बीली लगा दे। मैंने बोला भाई नहीं, बीली आती नहीं लगानी, अगर आती होती तो ज़रूर लगाता। कोई सिखाने वाला भी नहीं है यहाँ पर, अगर कोई सिखाने वाला है तो ज़रूर बताना मुझे। मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है कि मुझे बीली लगानी आ जाए। देखो ये देखो खाली हो रहा है, यहाँ पर उठा कर ले जाऊँगा सामने से, पर अभी आती नहीं तो अभी मैं भगा कर लेकर जा सकता हूँ, उठा कर नहीं। तो इसलिए कोई भी सिखा सकता है अपने लोकल पंजाब में, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा दूर तो चलो मुझे पता है सिखाई देते हैं, पर यहाँ पर अगर कोई है तो ज़रूर बताना मुझे। शुरुआत तो चलो मैं छोटी बाइक से करूँगा, NS से, बाद में धीरे धीरे बड़ी बाइक पर आऊँगा। आज गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मौसम देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कूल मौसम है, पर नहीं, हुम्मस सी हो रखी है पूरी, और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है। बेरहैंड चलाने में बाइक ज़्यादा मज़ा आता है, पर सेफ्टी जीरो है, तो इसलिए चलाता मैं कम हूँ। बेरहैंड ये वाली बाइक वैसे तो सभी बेरहैंड ही चलाता हूँ, पता क्या बेरहैंड ब्रेकिंग वगैरह अच्छे से लगती है। ये देखो मतलब बढ़िया लगती है, आप खुद समझ जाओ। बाकी कंट्रोल थोड़े से बढ़िया लगते हैं, और हाथ वगैरह पर हवा लगती रहती है, नहीं तो पसीना पसीना हो जाता है हाथों पर भी। गर्मियों में, सर्दियों में तो भाई ग्लव्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेरे पास ग्लव्स है इसमें भी ठंड लगती है, तो सर्दियों वाले अलग होते हैं, गर्मियों वाले अलग। पर इसके नीचे एक मैंने ना पतले वाले ग्लव्स लिए हैं, वो भी पहन लेता हूँ मैं सर्दियों में तो, पर गर्मियों में तो ये ही नहीं पहन होते मेरे से। अभी इसलिए ये ग्लव्स उतार दिए बिकॉज मुझे कॉल करनी थी रुक कर, तो वो कॉल की, तो बाद में मैंने सोचा क्यों पहनूँ, चलो अभी थोड़ा ही रह चुका है अपना घर, तो इसलिए मैंने उतार दिए और बैग में डाल दिया अपने ग्लव्स। तो ये रही अपनी बाइक, यहाँ पर लगाई हुई है बिकॉज अभी वॉश करेंगे, और सामने किसी के घर पर लेंटर डल रहा है अभी। और ये अपनी गाड़ी, और स्प्रे लेकर आ, और स्प्रे लिया। ये रही दोनों स्प्रे C1 C2। चलो अभी साफ़ करते हैं, अभी चैन देख लो, फिर बाद में आपको दिखाते हैं साफ़ करके। वैसे तो साफ ही है, थोड़ी गंदी है, तो अभी चैन चेक करो कितनी क्लीन है। अभी ब्रश मुझे घर पर मिला नहीं, और ये देखो ये गंदगी। अभी C1 मारी है, अभी C2 बाकी है, और बाइक वॉश करने के बाद C2 मारूंगा। तो अभी बाइक वॉश करते हैं पहले, जैसे भी हुई हमसे ठीक ठाक। देखो चैन कितनी साफ है, ये होती है चैन। दे देखो तो अभी बाइक पूरी वॉश हो चुकी है और चेंज स्प्रे भी मैंने मार दिया और चैन देखो कितनी क्लीन हो चुकी है। अभी पहले देखा आपने, अभी अभी देखा कितनी साफ़ हो चुकी है। तो ये देखो पूरी क्लीन। अभी इसको मैं लगा देता हूँ घर पर जाकर और ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो बताना कैसी लगी वीडियो। ये कैमरे थोड़ा सा गंदा है, बाकी बताना कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करके जाना और मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी ये रही अपनी जीनों को, पीछे स्कूटी है किसी की और पीछे ये अपनी गाड़ी है। तो चलते हैं अभी घर को, बहुत गर्मी है।